ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से घर के अंदर पारस छाबड़ा ने कहा कि उन्होंने अपनी करंट गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी से बहुत बार ब्रेकअप करने की कोशिश की, लेकिन आकांक्षा का और उनका ब्रेकअप होता ही नहीं है। पारस ने कहा कि आकांक्षा समझती ही नहीं है, मेरी हर बात पर वो रोने लगती है, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं किसी को हर्ट क्यों कर रहा हूँ। पारस ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों की सोच बहुत अलग है, हर मुद्दे पर हम दोनों की राय अलग होती है। वेल, पारस के स्टेटमेंट पर अब आकांक्षा पुरी ने किया है रिएक्ट। याद दिला दें कि पारस जहां घर के अंदर शहनाज और माहिरा के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आकांक्षा ने अब पारस की स्टेटमेंट पर और पारस की हरकतों पर कहा है कि वो सिर्फ गेम खेल रहा है, वो जो भी कर रहा है उसे लेकर वो सीरियस नहीं है। आकांक्षा पुरी ने कहा है कि वो मेरा है। वेल, हमें लगता है कि आकांक्षा बिल्कुल सच कह रही है। पारस छाबड़ा शहनाज गिल को ना तो कभी सेव करते हैं, ना ही किसी टास्क में जीत हासिल करने में मदद करते हैं। यानी कि पारस ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि शहनाज के साथ रहकर उन्हें स्क्रीन पर ज्यादा दिखाया जाएगा, क्योंकि शहनाज गिल का एटीट्यूड हर किसी को भा रहा है। वहीं पारस ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर गेम में कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो माहिरा है, शहनाज नहीं। इसलिए पारस बड़ी ही चालाकी से हर बार माहिरा का फायदा करवा देते हैं। यानी कि पारस घर के अंदर दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं। गेम खत्म होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि माहिरा और शहनाज दोनों को पहचानने से पारस इनकार ही कर दे। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।